Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. 36 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने वाली कैनेडियन टीम बेल्जियम से हार गई। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम का फातेहाना आगाज, कैनेडा को 1-0 से हरा दिया। कैनेडियन टीम भरपूर कोशिश के बावजूद गोल करने में नाकाम रही। कैनेडियन हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए इकदाम करने होंगे। बैंक ऑफ कैनेडा के गवर्नर का कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों के सम्राट कमज़ोर तबके तक पहुंचाना होंगे। शरह सूद में इजाफा ना करते तो हालात और ख़राब होते। हम कैनेडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए चौकस रहेंगे। कैनेडियन वजीर आजम की चीनी सदर के साथ गुफ्तगु के मामले पर तफसीली वजाहत। कैनेडा को लाहक खतरात पर बाकायदगी से ब्रीफिंग दी जाती है। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूस का फिजाई हमला। यूक्रेन में रूस के 70 मिसाइल हमले, 13 हलाक। यूक्रेनी एयरफोर्स के दावे के मुताबिक 50 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। शाम में तुर्किया के हमलों ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तुर्किया के फिजाई हमले अमरीकी फौजियों की सलामती के लिए बराए रास्त खतरा हैं। तुर्किया के ड्रोन हमलों में कोई अमरीकी एहलकार जख्मी नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Ghar mein sabki healthy life ke liye Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids aur wife ke liye मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज दिन के आखिरी मैच में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज दिन के आखिरी मैच में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया। बेल्जियम ने कनाडा को 22वीं फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ के पहले मैच में हरा कर मेगा इवेंट का फातेहाना आगाज कर दिया। बेल्जियम की टीम से इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद कनाडा की टीम को 1-0 गोल से शिकस्त दे दी। 36 बरस बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाली कनाडा की टीम ने मैच में शानदार खेल का मुजाहरा किया। ताहम पेनल्टी समेत गोल करने के कई अच्छे मौके जाया भी किए। मिची बातुशवाई ने एक गोल करके अपनी टीम की फतह में कुलीदी किरदार अदा किया। अहमद बिन अली स्टेडियम अलरियान में खेले गए दिन के आखिरी और मेगा इवेंट के बारहवें मैच में ग्रुप एफ की टीमें बेल्जियम और कनाडा आमने सामने थीं। मैच में कनाडा के खिलाड़ियों की पासिंग और डॉजिंग शानदार रही, मगर फंशिंग नाकिस थी। कैनेडियन टीम ने मैच में गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी। कनाडा के खिलाड़ी रिची लारिया को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैच में कनाडा ने पेनल्टी समेत गोल करने के कई यकीनी मौके जाया किए। बेल्जियम का वाहिद गोल 44वें मिनट में बिटशवाई ने बनाया। दूसरे हाफ में दोनों टीमें कोशिश के बावजूद गोल ना कर सकी और मैच 1-0 से बेल्जियम की जीत पर ख़त्म हुआ। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलम का कहना है कि हुकूमतों को कनाडियन शहरियों को महंगाई में रिलीफ फराहम करने के ख्वाहा ऐसे इकदामात का इंतखाब करना चाहिए जो अच्छी तरह से मजबूत और आर्जी हों। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकेलम का कहना है कि हुकूमतों को कैनेडियन शहरियों को महंगाई में रिलीफ फराहम करने के ख्वाहां ऐसे इकदामात का इंतखाब करना चाहिए जो अच्छी तरह से मजबूत और आर्जी हों। हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी के इजलास में कंजर्वेटिव MP एडम चैम्बर्स ने गवर्नर से पूछा कि महंगाई को बढ़ाए बगैर रिलीफ फराहम करने के लिए कम आमदनी वाले कैनेडियन शहरियों को बराह रास्त मुंतकली या तवानाई के रिलीफ पैकेज में से कौन सा बेहतर तरीका है। जवाब में गवर्नर ने कहा कि टारगेटेड और आर्जी इकदामात महंगाई को वसी बुनियादों से कम बढ़ाते हैं। मैकलम ने कहा शहरियों पर अफराते जर के असरात को कम करने के लिए पॉलिसियों के हदफ मुकर्रर करने की जरूरत है जिनके फवायद सबसे ज्यादा कमजोर तबके को मुहैया किए जा सकें। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कैनेडियंस के मालियात पर पड़ने वाले धचके को नरम करने के इकदामात के साथ बुलंद अफराते जर का जवाब दिया है जबकि कुछ इकदामात को कम आमदनी वाले अफराद को निशाना बनाया गया है। दीगर वसी बुनियाद हैं, सूबों ने भी रिलीफ पहुंचाया है। बहुत से लोगों ने ज्यादा वसी पैमाने पर चेक भेजने का इंतखाब किया है। मैकेलम ने कहा कि वो इस बात से आगाह हैं कि बैंक के इकदामात का कनाडा के बाशिंदों पर असर पड़ रहा है लेकिन अगर वो अफराद जर को कम करने के लिए शरह सूद में इजाफा नहीं करते हैं तो उसके नतायज बहुत खराब होंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे इससे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहते जितना के होना है। बैंक ऑफ कनाडा के हुक्काम को कई दहाइयों की बुलंद अफराते जर के तनाजर में मरकजी बैंक के पॉलिसी फैसलों के बारे में सवालात का सामना करना पड़ा। अक्टूबर में सालाना अफराते जर की शरह 6.9% थी जो जून में 8.1% की चोटी से कम थी। मार्च के बाद से बैंक ऑफ कनाडा ने लगातार 6 बार शरह सूद में इजाफा किया है और तवक्को है कि दिसंबर में एक और शरह में इजाफे का ऐलान करेगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक अपनी तफसीली वजाहत पेश की है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली गुफ्तगू से मुतालिक अपनी तफसीली वजाहत पेश की है। इंडोनेशिया में हालिया G20 सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने नामा निगारों को बताया कि ट्रूडो ने कनाडा में चीनी मदाखलत के बारे में शी के साथ शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया लेकिन कोई वजाहत पेश नहीं की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक गैर मनसूबा बंद तबादले में मालूमात मीडिया पर शेयर करने पर शी ने ट्रूडो से नाराजगी का इजहार किया। शी ने एक मुतरजम के जरिए कहा हम जिस चीज पर बात करते हैं वो कागज पर लीक हो गई है, ये मुनासिब नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स में वक्फे सवालात के दौरान कंजर्वेटिव लीडर पियर पॉलिवर ने पूछा जब वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर के साथ मदाखलत के बारे में अपने संगीन खदशात का इजहार किया तो वो किस खास मदाखलत का जिक्र कर रहे थे। ट्रूडो ने इस मामले पर अभी तक का अपना सबसे भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा हम कई सालों से जानते हैं कि चीनी हुकूमत के नुमाइंदों की कैनेडियन कम्युनिटीज में मकामी मीडिया के साथ गैर कानूनी चीनी पुलिस स्टेशन की इत्तला के साथ मुसलसल मसरूफियात हैं। ट्रूडो का कहना था कि ये वो सब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें तशवीश लाहक रहती है, जिस पर हमारे अहलकार मुतहरिक रहते हैं और हम कनाडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए चौकस रहेंगे। RCMP ने इस माह के शुरू में कहा था कि वो कनाडा में ऐसे पुलिस स्टेशन से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों की रिपोर्ट की तहकीकात कर रहा है जब इंसानी हकूक के एक ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि चीन ऐसे 50 से ज्यादा मकामात पर काम कर रहा है जिनमें ग्रेटर टोरंटो एरिया में 3 शामिल हैं। पॉलिवर ने यह भी पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को कभी मदाखलत के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी और ट्रूडो ने जवाब दिया कि उन्हें इंटेलिजेंस हुक्काम और सिक्योरिटी माहरीन की तरफ से कनाडा को लाहा खतरात के बारे में बाकायदगी से ब्रीफिंग दी जाती है, चाहे ये साइबर धमकियाँ हों, चाहे ये कैनेडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज के साथ मदाखलत हो, चाहे ये ऑनलाइन गलत मालूमात या गलत मालूमात का इस्तेमाल हो। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमलों में 13 अफराद हलाक हो गए। कीव की फौजी इंतजामिया का कहना है कि रूसी हमलों में शहर की अहम तंसीबात और 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमलों में 13 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमलों में 13 अफराद हलाक हो गए। कीव की फौजी इंतजामिया का कहना है कि रूसी हमलों में शहर की अहम तंसीबात और 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत कीव में पानी और बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की जानिब से 70 क्रूज मिसाइल दागे गए जिनमें से यूक्रेनी
एयरफोर्स के दावे के मुताबिक 50 को तबाह कर दिया गया। रूसी फोर्सेस ने फिजाई हमले में शहर की अहम तंसीबात और 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया। फिजाई हमलों का अलर्ट जारी कर दिया गया था। दूसरी जानिब अमरीका ने यूक्रेन के लिए मजीद $40 करोड़ की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद और फिजाई दिफाई आलात भी दिए जाएंगे। इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के लिए मजीद $400 मिलियन की मंजूरी हो गई है। इमदाद में असलहा, गोला बारूद और फिजाई दिफाई आलात शामिल हैं। अमरीकी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि अमरीका की फौजी इमदाद से जंगी मैदान में यूक्रेन को बेहतरीन मदद मिलेगी। अमरीका अब तक यूक्रेन को 19 अरब $70 करोड़ की फौजी इमदाद दे चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि शाम में तुर्किया की जानिब से किए गए हमलों ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि शाम में तुर्किया की जानिब से किए गए हमलों ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। जारी किए गए बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये बात कही गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का मजीद कहना है कि शाम में अमरीकी फौजियों और हुक्काम को अब भी खतरात हैं। अमरीका की सेंट्रल कमांड की जानिब से यह भी कहा गया है कि तुर्किया के ड्रोन हमलों में कोई अमरीकी अहलकार जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि तुर्किया के फिजाई हमले अमरीकी फौजियों की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा हैं। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा है कि अमरीका दाइश को शिकस्त देने के लिए शाम में कार्रवाइयां कर रहा है। प्रेस सेक्रेटरी पेंटागन ने मुतालबा किया है कि तुर्किया और शाम की सरहद पर फौरी कशीदगी कम की जाए। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि शहरी आबादी को निशाना बनाने से मुतालिक रिपोर्ट पर तश्वीश है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।